हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन तो जय हिंद दोस्तों और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे करंट अफेयर्स और फिर हम लोग साथ ही साथ करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे सो एवरीवन गेट सेट रेडी एंड स्टार्ट लिसनिंग टू मी केयरफुली एंड स्टार्ट गिविंग ऑल द आंसर्स केयरफुली सो वेरी गुड गाइड यू कैन लाइक द सेशन

तो वो नहीं करना है हम लोगों को आराम आराम से रोज पांच छे पांच छे करके याद कर लेना है और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ वी विल रिवाइज एवरी थिंग बिकॉज वी विल बी नोइंग कि हमारे पास अब सारे करंट अफेयर्स हैं तो आज है ऑफ मार्च सो स्टार्ट देखिए ये पहला न्यूज क्या है वॉट इज दिस न्यूज बढ़िया हाँ जी ये क्या कह रहा है ये न्यूज देखिए यहां पे बात हो रही है लार्जेस्ट कंट्री की तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका देश भारत हमारा देश भारत किस नंबर पे है अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट कंट्री और कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि सबसे बड़ी है ये बताएं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी महेश विशाली अमित आरती फौजदार रजत सचिन है ना प्रशांत सूची प्रिंस द नोटबुक ओके योर नेम इज वेरी इंटरेस्टिंग ममता जी वेरी गुड मॉर्निंग तो आप बताओ कि हमारा देश किस नंबर पे है हाय अमृत शहदाब बढ़िया 7th पे, वेरी गुड तो रजत का आंसर आया कि हमारा देश पोजीशन पे नहीं तुम तो और बड़ा बना रहे हो देश को। फोर्थ पे नहीं है तो सबसे पहले सबसे बड़ा देश कौन सा है रशिया उसके बाद एरिया वाइज और कोई कारण नहीं है बस एरिया वाइज सबसे बड़ा है रशिया सेकेंड में सबसे बड़ा है कैनेडा चाइना थर्ड यूएसए फोर्थ उसके बाद ब्राजील फिर ऑस्ट्रेलिया फिर इंडिया लोगों को कंफ्यूजन होता है चाइना और यूएसए में मुझे भी होता है तो इसीलिए चाइना जो है वो ज्यादा बड़ा है यूएसए फोर्थ पोजीशन पे हमसे जस्ट बड़ा कौन सा है वो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया है आपका फोर्थ पोजीशन पे इसको याद रखिएगा और इंडिया पूरे भारत का सिर्फ इतना परसेंट ही कवर करता है लैंड बाय मास कहीं कहीं पे लिखा है जैसे एनसीआर में लिखा है 2.4 परसेंट तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो एक्यूरेटली 2.43 परसेंट कीजिएगा पर अभी जैसे नया नया चेंजेस आ रहा है तो 2.21 परसेंट हो गया है इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा कि एक ऑप्शन ये है एक ऑप्शन ये है क्लियर है गाइज नेक्स्ट थिंग आज हम लोग आज नहीं हम लोगों ने मनाया है इस वीक सेवेंथ हम सॉरी सेवेंथ वाइंग हम लोगों ने मनाया है सेफ्टी दिवस तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं तो फोर्थ ऑफ मार्च को हम मनाते हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया मनाता है नेशनल सेफ्टी दिवस किस चीज का सेफ्टी इंक्लूडिंग रोड सेफ्टी वर्क प्लेस सेफ्टी हेल्थ सेफ्टी तो इन्वायरमेंट सेफ्टी तो हर तरह का जो सेफ्टी है सुरक्षा है वो नेशनल सेफ्टी काउंसिल मना रहा है फोर्थ ऑफ मार्च को अगला देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन करेंगे बस पांच याद पांच याद करके पांच क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसलिए ध्यान से याद कर लीजिए अभी जस्ट तुरंत आपको पांच क्वेश्चन बनाने हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, हजार इक्कीस द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि डिकेड मतलब 10 साल का दशकीय इंक्लूडिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड डैशबोर्ड तो यहां पे देखिए भारत का पोजीशन क्या है भारत का पोजीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 120 है सबसे ऊपर कौन सा है फिनलैंड है फिर स्वीडन है फिर डेनमार्क है फिर जर्मनी फिर बेल्जियम देखिए आज मंडे है आई एम फुल ऑफ एनर्जी तो आप लोग में भी होना चाहिए एकदम फुल ऑफ एनर्जी राइट बिकॉज वी हैव टेकन अ रेस्ट ऑन संडे तो आज एकदम बहुत सारे एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ेंगे ठीक है जी तो देखिए भारत का रैंक तो बहुत पीछे हो गया यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में तो देखिए टोटल सत्रह डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास और भारत का स्कोर है जबकि पिछले साल हम लोग एक सौ सत्रह पोजिशन पे थे इस बार हमारा पोजिशन खराब हुआ है सत्रह गोल हैं जिसमें पॉवर्टी को खत्म करना है जेंडर गैप को खत्म करना है भूखमरी को खत्म करना है बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं अगला देखिए यहां पे एक बहुत सुंदर सा आपको फोटो दिख रहा है बहुत सारे दिए जलाए जा रहे हैं जलते दिए गाना है ने? ना एक ना 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 कुछ ऐसा है ठीक है तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उज्जैन ने क्रिएट किया है इलेवन पॉइंट सेवन वन लैख जलाकर उज्जैन ने इतना बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है मध्य प्रदेश उज्जैन हैज क्रिएटेड गिनीस वर्ल्ड ऑफ लाइटनिंग 11.71 लाख क्ले लैम्प्स क्ले मतलब आप समझते हैं मिट्टी के छोटे छोटे दिए बहुत लोग तो खाते भी हैं हाँ मुझे पता है बहुत लोग खाते हैं क्या हाँ क्या हुआ आज अच्छा एनर्जी फुल है ठीक है बिल्कुल सारे क्लासेस हो जाएंगे तो शिव ज्योति अर्पण महोत्सव में यहां पे महाशिवरात्रि के ओकेजन पे इतने सारे दिए जलाए गए और इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया अयोध्या का अयोध्या में 9.41 लाख दिए जलाए गए थे ठीक है तो लैंड ऑफ महाकाल बोलते हैं ना जय महाकाल तो उज्जैन में लैंड ऑफ महाकाल में शिवराज सिंह चौहान जो कि एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट वॉज रिसीव्ड उन्होंने सर्टिफिकेट लिया यहां पे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का अनुभव वर्ल्ड ऑफ टाटा मोटर्स अब ये क्या न्यूज है ये देखें अनुभव द टाटा मोटर लॉन्च अनुभव शोरूम ऑन व्हील्स टाटा मोटर ने अनुभव टू टू टारगेट रूलर कस्टमर टू इंक्रीजिंग द रीच इन एरियाज़ एरिया प्रोवाइडिंग देम अ डोर स्टेप कार बाइंग एक्सपीरियंस तो बहुत लोग गाड़ी खरीदना अभी भी हमारे देश में बहुत बड़ी छोटी छोटी चीजें हमारे देश में बड़ी बातें हैं जैसे अगर आप लोग थोड़ा मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो इवन प्लेन पे ट्रैवल करना आज भी हमारे देश में बड़ी बात है गाड़ी खरीदना हम लोग पूजा करते हैं गाड़ी का है ना तो गाड़ी खरीदना हमारे देश में बड़ी बात है नया फोन लेना भी बड़ी बात है तो टाटा जो है वो अनुभव यानी कि नया एक्सपीरियंस देना चाहता है उन लोगों को जो लोग गांव में रहते हैं और इन्होंने टोटल 103 मोबाइल मोबाइल शोरूम मतलब ये पूरा शोरूम ही गांव चला जाएगा और वहां पे जो लोग हैं वो गाड़ी खरीद सकते हैं हमारे देश रूलर इंडिया में तो अब आप लोग क्वेश्चन बनाइए पांच करंट अफेयर्स आपने सुना है अब आप उस पर क्वेश्चन बनाएंगे नेशनल सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन कब सेलिब्रेट होता है नेशनल सेफ्टी डे क्या ये फर्स्ट मार्च है सेकेंड मार्च है थर्ड मार्च है या फोर्थ मार्च है बताएं जल्दी से आंसर गाइज हरिया वेरी गुड अच्छा अमित जी, जी जो हैं वो दो घंटे अभी पूरा रनिंग करके आए हैं तो इनकी एनर्जी बहुत हाई है अच्छा खर्च भी कर लिया है ठीक है हाँ वेरी गुड वेरी गुड एक्सीलेंट गाइज हाँ योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं ना बिल्कुल एम वाले ठीक है तो यहां पे देखे आंसर क्या है फोर्थ मार्च है यू नो द आंसर क्या कर रहे हो यार इतना धीरे धीरे आंसर बता रहे हो अभी तो पढ़े हैं हम लोग फिर आपको अगला सवाल बताना है भारत का रैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है 86, 84, 96, 117 या 120? जल्दी आंसर दो बहुत स्लो कर रहे हो आप लोग बहुत स्लो आंसर दे रहे हैं। दिस इज द एनर्जी ऑन मंडे मॉर्निंग रियली आफ्टर हैविंग अ गैप ऑफ संडे यू आर गिविंग मी दिस एनर्जी आज से स्टार्ट किया है कोई नहीं बस सुनते जाओ ठीक है सुनते जाओ बिल्कुल हो जाएगा सोल से अभी तक छूट गया कोई बात नहीं छूट गया तो छूट गया ना छूट गया तो छूट गया ऐसे भी जिवे सर बोले छूट गई तो छूट गई तो अब आप नेक्स्ट का तैयारी करें ठीक है यहाँ पे 120 है वन ट्वेंटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स फिर आप बताएंगे कि कौन सा शहर है जिसने गिन लाइटनिंग अलेवन पॉइंट सेवन तो छो, छोटे छोटे जो अर्देन कहते हैं ना छोटे और यहाँ पे बताएंगे कि इन टेन मिनट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दस मिनट तक ये दिए जलते रहे तो आप बताएं कि ये कौन सा शहर है ये शहर है भगवान महाकाल का महाकाल का उज्जैन उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है ना एक बार कंफर्म करिएगा तो हम सही बता रहे हैं और उज्जैन में महाकुंभ का मेला भी लगता है राइट वेरी गुड तो द आंसर इज उज्जैन अब ये क्वेश्चन आई एव गिवन यू फॉर अ ट्विस्ट चेक दैट डू यू लिसन टू करंट अफेयर और यू इग्नोर दू बीसीआई है ना तो इंडिया में जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है बीसीसीआई उसके न्यू जनरल मैनेजर बने अब आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि बीसीसीआई के नए जनरल मैनेजर कौन बने हाँ आपको क्या लगा कि आई गिव यू एवरी टाइम अ पीस ऑफ केक राइट वेरी इजी इजी क्वेश्चन सी बाय प्रोवर्व यू कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश फ्रॉम मी हाँ ज्यादा डिटेल में तो आपको प्रिया मैम का क्लास देखना पड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत आप हमसे सीख सकते हैं तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केस जल्दी से बताए आंसर क्या है अबे कुड़ू विला अबे अबे विला जो है ये नए जनरल मैनेजर बन गए हैं नए महाप्रबंधक बन गए हैं बीसीसीआई के अगला सवाल कि अनुभव रूलर कस्टमर के लिए अपने ग्रामीण ग्राहकों के लिए एक शोरूम मोबाइल कार शोरूम पूरा का पुड़ा, शोरूम ही एक जगह से दूसरे जगह जाएगा मोबाइल का मतलब समझते हैं जो पोर्टेबल हो जैसे कि आपका जब नया नया मोबाइल आया था तो पहले क्या था लैंडलाइन था है ना वो एक ही जगह रह सकता था पर मोबाइल क्या है पोर्टेबल है आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं तो उसी तरह से ये मोबाइल शोरूम है अनुभव ये किस कंपनी का है ये है टाटा मोटर्स का ठीक है तो अभी पांच चीजें आपने पढ़ी है पांच चीजें आपको याद हो गई है अब हम लोग नई चीजें पढ़ेंगे स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट आप जानते हैं कल एट ऑफ मार्च है तो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट आप बताएं क्या है तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री ठीक है एंड निमहसन बेंगलुरु निमहसन जो है एक तरह का एन है इसने लॉन्च किया है स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट ऑन वेंसडे गोल क्या है इंप्रूविंग वुमेन्स मेंटल हेल्थ यह एक छोटा सा चीज है जिसपे लोग गौर नहीं करते हैं मतलब मैं आ, स्टीडियो टाइप आंसर तो नहीं दूंगी लेकिन मैंने देखा है कि कुछ एज के बाद वुमेन आर मच थिंकिंग है ना तो आ, मम्मी लोग जितनी होती हैं वो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करती हैं तो मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है क्योंकि एक तो रीजन है कि जनरली इफ यू विल सी कि अब तो बहुत लोग जॉब करने लगे हैं लेकिन एक दो जनरेशन पहले ज्यादातर वुमेन जॉब नहीं करती थी हाउसवाइफ रहती थी तो वो अपने आप को बिजी नहीं रख पाने के कारण मेंटल हेल्थ से देखा गया है इंडिया में खासकर कि थोड़ा सा प्रभावित रही हैं और हम लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया है सो दिस वॉज अ रॉन्ग थिंग और उस पर ध्यान देने के लिए वन स्टॉप सेंटर मनोरक्षक यानी कि मन का उनका रक्षा करने के लिए वन स्टॉप सेंटर बना है नेशनल सिक्योरिटी दिवस मना रहे हैं हम लोग आप बताएंगे कहाँ पे मना रहे हैं हाँ हाँ नहीं अब नहीं हो रहा है इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके होगा ताकि आपको याद होते जाए तो नेशनल सिक्योरिटी दिवस हम लोग मना रहे हैं चार मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ठीक है एवरी ईयर इन द ऑनर ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस एम क्या है इस दिन का इस दिन का एम है कि हम ग्रेटिट्यूड दे उन लोगों को पुलिस मैन को पैरामिलिट्री को फोर्सेस को कमांडो को आर्मी ऑफिसर्स को और हर इंसान जो आपके सिक्योरिटी में इन्वॉल्व है उनके सेक्रीफाइस को और उनके लाइफ में पीस मेंटेन करना जो जिन्होंने हमारे लाइफ में पीस मेंटेन किया है सिक्योरिटी मेंटेन की है उनको हम श्रद्धांजलि दे फोर्थ ऑफ मार्च से लेकर दस मार्च तक हम नेशनल सिक्योरिटी वीक मना रहे हैं दो हजार बाईस में अब इनको पहचानते हैं क्या आप लो who who she, हैं। हैं लोग एनी वन हु नो शी नहीं ये लोग गाइज आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दे क्योंकि शायद आप लोगों ने सेशन को भी लाइक नहीं किया है तो देखें इंडियाज श्री निविदता ईशा सिंह और रुचि विर नेडकर ने गोल्ड मेडल जीता है इन द वेमेन टेन मीटर एयर पिस्टल ठीक है तो यहां पे एयर पिस्टल टीम आई एस एस एफ वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है इजिप्ट में हुआ है इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है भारत का नाम रोशन किया है इसको याद रखेगा और भारत इंडिया इज लीडिंग द मेडल टेबल विथ थ्री मेडल्स इंक्लूडिंग टू गोल्ड एंड सिल्वर राइट रिमेंबर दिस नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें डू यू नो हु अच्छा एक मेरी जैसी लग रही है एक स्टूडेंट कह रहा है कि इसमें से कोई मेरी जैसी लग रही है अच्छा ये बीच वाली नहीं यार <laughs> क्या तुम लोग भी सही है तो यहाँ पे आप देखें नोटेड फिल्म क्रिटिक जयप्रकाश चौकसी इनका निधन हो गया है फिल्म क्रिटिक है 82 साल में निधन हुआ है कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। आप जानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट बहुत लोगों को हो रहा है अभिषेन वॉन का भी न्यूज आपने सुना है तो शायद कत्ल और बॉडी जैसी जैसे मूवीज को इन्होंने क्रिटिक किया है और इनका निधन हो गया है ठीक है चले नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए ये किस चीज का न्यूज है बाकी आपको पता है ना कि टोटल कितने टाइप के क्रॉप्स होते हैं खरीफ क्रॉप आपको पता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून में आते हैं अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट किए जाते हैं राबी क्रॉप आप जानते हैं अक्टूबर नवंबर में सो किए जाते हैं और मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट किए जाते हैं और इन दोनों के बीच में गर्मी के मौसम में जायद फल आते हैं जायद में बहुत सारे फल और सब्जी उगाए जाते हैं जिसमें बहुत सारा पानी रहे पानी फल सिंगाड़ा खीरा ककड़ी ये सब हम लोग जायद में उगाते हैं चलें तो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल डेवलपमेंट बाय आई कानपुर तो यहाँ पे क्या हुआ है रिसर्चर्स ऑफ आई कानपुर ने अभी बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स को यहाँ बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स दैट कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू केमिकल बेस्डे इंसेक्टिसाइड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगी तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है फंगी है, है ना जो के आर के नहीं तो जो कि प्लांट को खराब कर देते हैं जैसे कि अगर आप पि पिंक बॉल वार्म सुने तो ये कॉटन को खराब करते हैं रस्ट वीट को खराब करता है तो इस तरह से बहुत सारे फंगस हैं और बैक्टीरिया हैं जो क्रॉप्स को खराब करते हैं तो उन पे हम लोग इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं पेस्टिसाइड छिड़कते हैं जो कि केमिकल्स होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जाएंगे इसलिए कहते हैं बहुत अच्छे से धो लो पहले के जमाने में बोलते थे ना लोग कि उस समय का जो खाना पीना है वो ज्यादा स्वच्छ था अभी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स है उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं तो अच्छे से सब्जी फल वगैरह धो के इवन अनाज भी दाल चावल धो के खाना चाहिए क्योंकि उसमें ये सारे केमिकल है लेकिन केमिकल को हटाकर हम लोग नैनो पार्टिकल से रिड्यूस कर देंगे रिस्क ऑफ क्रॉप इन्फेक्शन और उसकी जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स हैल्टरनेटिव तो ये रिड्यूस कर देगा और ये आई कानपुर ने इसको बनाया है तो अब आप क्वेश्चन का आंसर दें देखिए अब पूछा मैंने कुछ बताया कुछ लेकिन पूछ कुछ और रही हूं क्योंकि ये हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्राइडे को फ्राइडे को हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एल म्यूचुअल फंड के एम एंड सीईओ कौन बने डू यू रिमेंबर दिस आंसर क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद है कि कौन बने हैं एमडी और सी एलआईसी एल आई सी म्यूचुअल फंडस के एनी आइडिया गाइज किसी को याद है डिस्कस किया था हमने ये फ्राइडे को तो आंसर क्या होगा टी एस रामाकृष्णन टी एस रामाकृष्णन जो है हाँ बिल्कुल याद है चलिए बढ़िया तो ये एम डी सीईओ सी बने हैं एल आई सी म्यूचुअल फंड्स के और सी एफ ओ कौन बने हैं एल आई सी के ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था सी एफ ओ एल आई सी के सी एफ ओ कौन बने है? है ना जल्दी बताएंगे तो एल आई सी के सी एफ ओ बने सुनील अग्रवाल जी दीज बो क्वेश्चन प्रोजेक्ट ये बताएं कि कौन से यूनियन मिनिस्टर ने स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हां जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग क्या ये राजनाथ सिंह हैं प्रहलाद जोशी हैं पीयूष गोयल हैं या स्मृति ईरानी तो द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एम ओ डब्ल्यू सी डी इन्होंने लॉन्च किया है आई एम सींग आप लोग में थोड़ा पेशेंस की कमी है क्योंकि आ रहे हैं जा रहे हैं इस तरह से तो एग्जाम नहीं निकलेगा कि जब आपको लगे कि तैयारी ऑन ऑफ ऑन ऑफ करे तो इसीलिए आप लोग एक जगह कॉन्स्टेंट होकर अच्छे पॉस्चर में ताकि आप ज्यादा लंबा ड्यूरेशन तक अपने आप को मेन्टेन कर सके क्वेश्चन आंसर कीजिए और पढ़िए चले तो अब पी एन बी हाउस हाउसिंग दिस क्वेश्चन इज अज क्वेश्चन तो सी यू विल अटेम्प्ट और यू वॉन्ट फ्लाइट एंड वॉट विल बी योर स्कोर तो यहां पे बताएं पी एन बी हाउसिंग हैज लॉन्च वॉटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखिए बहुत बच्चे के तरीके से हम पढ़ा रहे हैं पांच बता रहे हैं पांच से क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन ये एक सरप्राइज है तो ये बताएंगे आप कौन सा स्टेट है ये स्टेट है राजस्थान ये भी पढ़ाया हुआ है कि राजस्थान के साथ पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया वाटर शे, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वेरी गुड मॉर्निंग गाइस क्लास का टाइम आठ बजे अब तुम आठ बज के उन्नीस मिनट पे आके मेरे को गुड मॉर्निंग बोलोगे तो हम क्या बोलेंगे कि क्लास आउट, है ना जैसे कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है मैंने देखा था आप लोगों ने देखा है वो स्टूडेंट की अदालत केस नंबर वन द मिलेनियल योगी ये किताब लिखा गया है और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्राइडे को कि ये जो द मिलेनियल योगी किताब लिखा गया है ये किसने लिखा है क्या याद है दीपम चाटर्जी वेरी गुड नाउ यू सी व्हाट इज दिस है ना यहाँ पे आपको राजनाथ सिंह जी दिख रहे होंगे जयशंकर देख दिख रहे होंगे और फिर ये इनके तो मास्क से लग रहा है कि ये अमेरिका के हैं तो देखते हैं वैसे हमारे देश में कभी ऐसा मास्क पहनने दिया नहीं जाएगा देश के झंडा का अपमान नहीं हो गया ये। खैर तो नाइनटीन मिलिट्री कोऑपरेशन मीट ऑफ इंडिया एंड यूएसए हेल्ड इन आगरा तो इंडिया और अमेरिका का मीट हुआ है मिलिट्री मीट हुआ है कहा हुआ है आगरा में हुआ है आगरा कहां है उत्तर प्रदेश में है और ये डिस्कशन एयर मार्शल बी आर कृष्णन और अमेरिका के रिप्रेजेंटेशंस में हुआ है नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे सोलर पैनल और सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ दिख रहा है बिल्कुल नेक्स्ट अदालत होगी सैटरडे को होगी आप लोग अपना अपना डिमांड बताइएगा कमेंट सेक्शन में यहां पे नहीं उसी क्लास में उसी कमेंट सेक्शन में तब मुझे भी पता चलेगा कि किसकी अदालत होगी एच ने साइन किया है एम ओ यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ सोलर एनर्जी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया इसको याद रखेंगे और ये ट्वेंटी फोर्थ फेब को साइन किया गया था दिल्ली में और इनका टारगेट है कि ये ग्रीन एनर्जी को टारगेट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया का एफर्ट दिखाएंगे ये कहाँ पे कार्बन न्यूट्रलिटी में ये चाहते हैं कि हम लोग न्यूट्रल हो जाए जितना कार्बन का विसर्जन मतलब जितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उतना वो कंज्यूम भी हो जाए बाई प्लांट्स नेक्स्ट आप देखें यहां पे आपको क्या दिख रहा है क्या ये सागर परिक्रमा के बारे में है तो जी हाँ ये सागर परिक्रमा के बारे में showcase by सागर परिक्रमा फ्रॉम फिफ्थ ऑफ मार्च ऑफ मेरीन फिशरीज तो बेसिकली मेरीन फिशरीज सेक्टर ने वेल्थ वुड बी शो केसेस तो यहाँ पे सागर परिक्रमा शुरू हो रहा है फिफ्थ ऑफ मार्च से ओशियन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है उस वो अर्थ का थ्री फोर्थ क्वार्टर कवर करता है ये सब तो हमको पता ही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको अभी शो केस करेंगे कि यहां पे हम लोगों का कितना वेल्थ है ठीक है चलें फिर आप देखें यहां पे एक गठबंधन हो रहा है किस बारे में हो रहा है बिल्कुल सारे सवालों का जवाब मिलेगा डोंट वरी डोंट वरी हा तो डीएसटी DST क्या है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बिल्डिंग ए आई रेडिनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडिनेस अमंग यूथ इनोवेटर्स यहाँ पे शुरू हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने यूनियन मिनिस्टर हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और यहाँ ये क्या कर रहे हैं प्रोग्राम का एम है ताकि हम लोग डिजिटली रेडी हो जाएं स्टूडेंट फ्रॉम क्लास सिक्स टू टेन यहाँ पे इनरोल हो जाएं मानक स्कीम में नेक्स्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गुड पीपल टू बैंक विथ अच्छा तो ये इनका टैगलाइन है एक टाइम है जब एग्जाम में टैगलाइन भी पूछा जाता था अब ये कम हो गया है कि किस बैंक का क्या टैगलाइन है है ना चलें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड एम्बिट फेस्ट ने टाई अप किया है साथ में इन दोनों ने कहा है कि आइए टाई अप कर लेते हैं ठीक है फॉर क्यू एम के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज तो इस सारे कस्टमर को ये फाइनेंस करने के लिए इन लोगों ने टाइप किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एमिट इन वेस्ट ने टाइप किया है नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें यहां पे कुछ एक अलग सा मॉडल लग रहा है है ना टाइम जोन में संडे को आप लोग मॉल घूमने जाते हैं तो इस टाइप का ही नहीं गेम लोग खेलते रहते हैं ये है क्या प्रूव लिखा हुआ है ना यहाँ पे नहीं प्रो सी लिखा हुआ है देखते हैं तो आई मद्रास ने एन आईओ टी कंडक्ट ओशन 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम आई मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने साथ में ओशन 2022 कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोज़न ये जो है इन्होंने इनाग्रेट किया है मेरीन रिसर्चर टेक्नोलॉजी वाले और इंजीनियर स्टूडेंट ये सब मिल गए हैं इट इज बीइंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कोआर्डिनेटेड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ ओशन इंजीनियरिंग तो ये आईआईटी मद्रास ने इसको लॉन्च किया है क्लियर है ये एक हाइब्रिड मॉडल है इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे कि क्या ये हाइब्रिड मॉडल क्या करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेड क्वार्टर कहां पे है मुंबई में है महाराष्ट्र में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है इस बैंक का लाइसेंस है ना इस बैंक का नाम है सारजे राव दादा ठीक है नायक शि, शिराला सहकारी बैंक तो बेसिकली आपसे उतना लंबा तो नहीं पूछा जाएगा ये पूछ चुके हैं हम पहले भी कि ये इसका नाम है शिराला सहकारी बैंक और संगली महाराष्ट्र में है इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है क्योंकि इस बैंक में बहुत सारे बहुत सारे नॉर्म्स थे जो कि फॉलो नहीं किए जा रहे थे इसके पास एडुकेट कैपिटल नहीं था अर्निंग प्रोस्पेक्ट नहीं थे और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कैंसिल हो गया यहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है इस फेस्टिवल का क्या नाम है ये जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है तो जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल जिसका नाम है हेरात और द नाइट ऑफ हड़ा शिवरात्रि जिसको कहते हैं महाशिवरात्रि उसका ये फेस्टिवल है हेरात याद रखेगा 28 फरवरी को मनाया गया है नेक्स्ट भारत है और यहां पे और एक और देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं नहीं भारत ही के तो इंडिया एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन ने साइन किया है होस्ट कंट्री एग्रीमेंट तो भारत सरकार ने होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ ताकि ये एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर बना सके आई का दली में होस्ट कंट्री एग्रीमेंट के तहत हम लोग जो हैं लीगल और फिनांशियल फ्रेमवर्क हम लोग को स्टैब्लिश हो जाएगा और ऑपरेशंस हमारे एरिया ऑफिस में भी हो जाएंगे और पहले से द एरिया ऑफिस में कौन कौन से देश आ जाएंगे तो भारत के जो न्यू दिल्ली में बनेगा उसमें अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान ईरान मालदीव नेपाल श्रीलंका और इंडिया कवर अप हो जाएगा चलें तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से सुनिए और ये इंपॉर्टेंट भी है सूरज कुंड जैसे मैंने आपको बोला हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में तो अब मैं पूछ रही हूं कि सूरज कुंड का हैंडीक्राफ्ट मेला कहां सेलिब्रेट होता है ये बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि राजस्थान उत्तर प्रदेश या हरियाणा पंजाब में सूरज कुंड का मेला कहां सेलिब्रेट होता है हाँ ठीक है अच्छा कली यातम फेस्टिवल भी हो रहा है यातम मतलब तो डांस होता है तो देखें यहाँ पे सूरज कुंड का फेस्टिवल जो है ये हरियाणा में हो रहा है याद रखेंगे सूरज कुंड हैंड हस्तशिल्प मेला जो है ये हरियाणा में हो रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट और फोर्थ स्लीथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर स्लीथ का मतलब आपको पता है स्लीथ मतलब होता है वेरी डेंजरस मतलब जो मार सके वैसे तो यहां पे आप बताएंगे कि अंडर प्रोजेक्ट 15 बी हमारे देश में पहला चार होंगे टोटल पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अंडर सेक्टर 15 बी सुन लो राहुल रोज तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा ठीक है रेखा आप दो आप लोग सुन लीजिए रिवाइज हो जाएगा तो ये है आई एन एस विशाखापट्टनम चार में से जो पहला है वो है आई एन एस विशाखापट्टनम ये फिफ्टीन बी प्रोजेक्ट के तहत ये क्या है फोर्थ स्लीथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर नेक्स्ट पर नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस करेंट प्राइस यानी कि अभी वाला कॉन्स्टेंट प्राइस यानी कि जो बेस ईयर 2011 12 चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन ठीक है तो नेट पर कैपिटल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कौन सा स्टेट जो है टॉप कर रहा है यानी कि पर ये करंट प्राइस के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति ज़्यादा किस किस राज्य में कमा रहा है तो ये जो राज्य है ये तेलंगाना है तेलंगाना में पर कैपिटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस ज्यादा है नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किन ऑफ हिट एंड रन विक्टिम इन केस ऑफ डेथ वट इज द रिवाइज कंपनसेशन अगर कोई रोड पे ऐसे हिट एंड रन वाला विक्टिम है व्याले विक्टिम है और उनका डेथ हो जाता है तो उसमें उनको कंपनसेशन उनके घर वालों को कंपनसेशन कितना मिलेगा इसको रिवाइज किया गया है तो ये हो गया है दो लाख ठीक है दो लाख हो गया ये नेक्स्ट हु इज द कैप्टन ऑफ आई पी एल टीम पंजाब किंग्स पंजाब किंग्स इलेवन के कैप्टन कौन बन गए हैं ऋषभ पंत हार्दिक पांड्या मयंक अग्रवाल या शाहरुख खान ठीक है एक तो आपको बताइए कि नहीं हो सकते हैं। वैसे एक शाहरुख खान क्रिकेटर भी है।, है ना तो आंसर बताएं जल्दी से तो आंसर क्या है यह है मयंक अग्रवाल जी बन गए हैं पंजाब किंग्स इलेवन के कैप्टन आईपीएल में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर्स है वो देखिए ये है मिशन क्लीन गंगा नहीं हार्दिक पांड्या नहीं है मयंक अग्रवाल है मिशन क्लीन गंगा क्या है मिशन क्लीन गंगा तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज बीन द स्पेशल ज्यूरी अवार्ड ठीक है तो सेवेंथ इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव एंड नाइन्थ एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड्स ने इसको अवार्ड दिया है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये अच्छा चल रहा है स्विज का यहाँ पे आपको प्लेन दिख रहा है देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो ये है कि स्विस टू बिकम वर्ल्ड एयरलाइन टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल कि स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन ये दुनिया का पहला ऐसा विमान बन गया है जो कि यूज करेगा सोलर एविएशन फ्यूल ठीक है यानी जो सन से जो आ रहा है तो सन टू लिक्विड फ्यूल करेंगे अंडरस्टूड यस yes. और ये पहला ऐसा ये भी था स्विस विल बिकम द फर्स्ट कस्टमर ऑफ सोलर कैरोसिन इन 2023 तो so, ये पूरी तरह से सोलर में अब अपने एविएशन सुनाएंगे ये कौन सी एक्ट्रेस है क्या आपको इनका नाम पता है हाँ हाँ तुम लोग तो बोलोगे कि हम जो है वो हर हर किसी की तरह देखते हैं मतलब माई फेस इज सो कॉमन दैट यू से दैट मैम यू लुक लाइक दिस मैम योर वॉइस इज लाइक दिस एकदम हम रोज कंपेरिजन हो रहा है मेरा पियर प्रेशर में चले जाएंगे हम चले बताएं तो जल्दी से ये कौन सा कौन सी एक्ट्रेस है इनका नाम है विद्या बालन आप सबको पता है है ना बिल्कुल तो विद्या बालन को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस याद रखेंगे डू डू द स्मार्ट थिंग कैंपेन ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इनको यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मोदी जी किसी से बात करें देखिए तो ये कौन है किस देश के हैं ये रिप्रेजेंटेटिव पीछे झंडा भी लगा हुआ है कुछ आइडिया लग रहा है आप लोग को तो देखे एम ई अनवील स्पेशल फॉर ईयर ऑफ इंडिया डच डिप्लोमेटिक रिलेशन तो डच आए थे हमारे देश में लेकिन उनको स्पाइसेस का ट्रेड करना था और वो चले गए नीदरलैंड है ना तो यहाँ पे सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी है हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ नीदरलैंड और इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं संजय वर्मा जो कि सेक्रेटरी इन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मार्टिन वैन डेगबर्ग ये अम्बेसडर हैं ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड टू इंडिया ने इसको लॉन्च किया है दो मार्च का ये बात यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आप लोग कौन सा यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा फोन पे पेटीएम भारत पे जो भी हाँ नहीं मैम इसके बारे में नहीं बोलेंगे ये आपके जैसे नहीं दिखती है अब टेंशन मतलब थैंक यू तो यूपीआई ट्रांजेक्शन वैल्यू डिप्स दो हजार बाईस अकॉर्डिंग टू द डेटा एन पी सी आई इंडिया का जो कैशलेस रिटेल ट्रांजेक्शन है यूपीआई प्लेटफॉर्म ये एट पॉइंट टू सेवन करोड़ था फेबर में और एक थोड़ा सा गिर गया है डिप हो गया है डिक्रीज हो गया है ये फ्रॉम द प्रीवियस मंथ के टोटल से ठीक है चले नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे ये फिर से आपको एक व्यक्ति दिख रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल चले तो यहां पे आप बताएं ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर एलन वॉल ब्रिज लैड जूनियर पासज अवे तो इनका निधन हो गया है और ये ऑस्कर इनको मिल चुका था ये प्रोड्यूसर रह चुके हैं एलन वॉल ब्रिज लैड जूनियर इनका निधन हो गया है यस बहुत सारे मूवीज जैसे कि स्टार वॉर्स के ये यही थे जनक ठीक है ब्रेव हार्ट स्टार वॉर्स तो बहुत फेमस था बच्चों में आप, आपने देखा है कि नहीं देखा है बताइएगा चले नेक्स्ट है ये एक सेकेंड अच्छे से दिखा दूं इनका नाम है संजीव कपूर जी संजीव कपूर जेट एयरवेज के संजीव कपूर सीईओ बन गए संजीव कपूर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ जेट एयरवेज रिमेंबर दिस और इसके प्रायर टू दिस ये जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं ओब्रॉय होटल्स के एंड वर्कड एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ स्पाइस जेट और ये चीफ स्ट्रेटेजिक कमर्शियल ऑफिसर भी रह चुके हैं विस्तारा के तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैम ये सीधे सीओ बन गए तो देख लीजिए इनके पीछे इनका कितना स्ट्रगल भी रह चुका है तो आप लोग भी ऐसा ना सोचिए कि तुरंत ही आपको सक्सेस मिल जाएगा यू हैव टू अर्न इट नेक्स्ट आप देखिए वीडा वीडा और हीरो वीडा हीरो का यहां पे क्या बात है अटेंड नहीं कर पा रही हूं क्योंकि कॉलेज सुबह कोई बात नहीं कर लेकिन आप जितना भी टाइम में अटेंड कर पा रही इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग तो आप अटेंड कर लें तो हीरो मोटर कॉप हैज न्यू ब्रांड हीरो का एक नया ब्रांड आया है वीडा वीडा मींस लाइफ फॉर इमर्जिंग मोबिलिटी सोल्यूशन एंड अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इन्होंने अपना नया ऐप शुरू किया नया कंपनी जो भी है ब्रांड शुरू किया है जिसका नाम है वीडा ठीक है और पवन मुंजल जो है इसके चेयरमैन एंड सीओ है हीरो मोटर के जो कि दुबई में इसका हेड ऑफिस है और वीड़ा शुरू हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं आईसीसी विमेंस क्रिकेट क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड 2022। तो आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है जो कि न्यूजीलैंड में होगा 2022 बिगिंस, और ये कब से शुरू हो गया चार मार्च से ये तीन अप्रैल तक चलेगा रिमेंबर दिस नेक्स्ट वर्ल्ड ओबेसिटी डे मोटापा दिवस एवरी बॉडी नीड्स टू एक्ट डोंट टेक इट वेरी लाइटली क्योंकि आगे जाके ओबेसिटी में बहुत सारी बीमारियां होती है आजकल के बच्चे भी बहुत ज्यादा ओबेस हो रहे हैं तो इट इज नॉट अबाउट बॉडी शेपिंग बट देयर आपको मेंटेन करना है अपना बी एम आई एटलीस्ट बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन करके रखना चाहिए तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे दो ऑब्जर्व हो रहा है फोर्थ ऑफ मार्च को ताकि हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें ओबेसिटी के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है शेन वॉन है ये आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा ये मतलब लोग सोच भी नहीं पा रहे थे एक्सपेक्ट एक्सेप्टेबल ही नहीं था तो ही इज़ द लेग स्पिनर गॉड ऑफ लेग स्पिनर यू नो और शेन वॉन और सचिन तेंदुलकर के बीच जब मैच होता था खासकर शारजा वाला मैच अगर आपने देखा है तो एवरी वन वॉज वेरी एक्साइटेड ये इन दोनों के बीच का क्लैश देखने के लिए और शेन वॉन का निधन हो गया ये अपने फ्रेंड्स के साथ छुट्टी पे गए थे थाईलैंड में वहाँ पे इनको हार्ट अटैक आ गया और 52 इयर्स में इनका निधन हो गया है ऑस्ट्रेलिया के आ, ये प्लेयर रह चुके हैं और राजस्थान रॉयल्स के जब आईपीएल सबसे पहले बना था तो राजस्थान रॉयल्स जो कि गरीब टीम मानी जाती थी क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे प्लेयर थे छोटे प्लेयर थे कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई प्लेयर नहीं थे और ये कैप्टन रहे वहाँ पे और अ, फिर यूसुफ पठान ने भी अपना बहुत अच्छा हाँ Uh, उस समय भी ये फॉर्म में थे तो शेन वॉन जो कि इनका निधन हो गया है आप जानते हैं लेजेंडरी हैं ये लेग स्पिनर सेकेंड हाईएस्ट टेकर हैं ये मुरली के बाद इन्होंने सब सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं इनका निधन हो गया है जी ओके चलें नेक्स्ट आप न्यूज देख सकते हैं ये राजस्थान से रिलेटेड है राजस्थान से रिलेटेड न्यूज क्या है ये बताएंगे आप अच्छा मेरा थंबनेल का फोटो मैं चेंज करूंगा ठीक है ओके तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी राजस्थान गवर्नमेंट अपने ऊँटों को प्रोटेक्ट और डेवलपमेंट का उसके लिए पॉलिसी अनाउंस किया गया है और कुछ पैसे यहां पे दिए जा रहे हैं देर आर अबाउट टू पॉइंट फाइव कैमल लेफ्ट वेन काउंटेड लास्ट ईयर तो क्या हो रहा है कि बहुत लोग अपने कैमल को छोड़ देते हैं गवर्नमेंट का फिगर है कि लेस देन टू लैक कैमल आर लेफ्ट इन लेफ्ट इन राजस्थान एंड इन द इंटायर कंट्री द नंबर ऑफ कैमल हैज रिड्यूस फ्रॉम वन पॉइंट फाइव लैख ठीक है हाँ तो जब उसका यूज नहीं होता है तो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं खैर तो अब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे रेगुलरली क्वेश्चन चलेगा रेडी स्टडी गो चले नेशनल सिक्योरिटी डे किस दिन सेलिब्रेट होता है सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं एकदम किताब की तरह पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन बनाते हैं चलिए तो नेशनल सिक्योरिटी डे हम लोग किस दिन मनाते हैं थर्ड को फोर्थ को फिफ्थ को या सिक्स मार्च को जल्दी से कमेंट सेक्शन में तुरंत से एकदम फटाफट आंसर दे दो वैसे लगे कि एकदम भर गया कमेंट सेक्शन वैसे हाँ ठीक है तो ये बताएं हम लोग किस दिन मना रहे हैं बिल्कुल सबसे पहले आर्यन का आंसर आया है वेरी गुड आर्यन तो यहाँ पे हम लोग ये मना रहे हैं फोर्थ ऑफ मार्च को अगला सवाल वर्ल्ड ओबेसिटी डे ये हम लोग किस दिन मना रहे हैं वर्ल्ड ओबेसिटी डे हम लोग किस दिन मना रहे हैं थर्ड मार्च को फोर्थ मार्च को फिफ्थ मार्च को या सिक्स मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे मोटापा दिवस किस दिन मना रहे हैं गाइज हां जी बढ़िया आंसर बताएं जल्दी जल्दी तो ये हम लोग मना रहे हैं फोर्थ ऑफ मार्च को नेक्स्ट आईसीसी वीमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप किक ऑफ ऑन मार्च फोर दो तो ये बताएंगे कि कहां पे कहां पे ये शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं जल्दी जल्दी आंसर बताना है बस तो ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं हुआ है वेस्ट इंडीज भी नहीं है बांग्लादेश भी नहीं है न्यूजीलैंड इज द आंसर वेरी गुड संजीव कपूर को बना दिया गया है सीईओ किस कंपनी का जेट एयरवेज हम जब तक तो चिल्लाते नहीं है ना तब तो तक तो 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 आप लोग का आंसर आता नहीं है तो आज तो मंडे को तो मैं चिल्ला लूंगी ट्यूजडे भी चल जाएगा मेरा आवाज वेंसडे खींच लूंगी है ना थर्सडे फ्राइडे से फिर आप लोग को सुना ही नहीं देगा ऐसे ही चलेगा आवाज इसलिए बिना चिल्लाए भी काम कर लो है ना बोलते हैं समथिंग समथिंग के भूत बातों से नहीं मानते वही वाला हाल है यहाँ पे तो ये बताएं कहाँ के सीईओ बन गए हैं ये बन गए हैं जेट एयरवेज के सीईओ राइट वेरी गुड नेक्स्ट आप बताएंगे देखिए अब यहाँ पे ट्विस्ट है पोस्ट ऑफ एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये क्यों हम बताएं क्योंकि देखे एडवोकेटॉर्नी जनरल जो है सेंटर के होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एडवोकेट जनरल स्टेट के होते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन सॉलिसिटर जनरल का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं ठीक है लेकिन ये बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द टर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का लिंक ओके गाइज सो ही इज अमन लेखी इन्होंने रिजाइन कर दिया है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पोस्ट से नेक्स्ट आप देखेंगे फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल एस एफ रॉड्रिक इनका निधन हो गया है इनका निधन हो गया है इसको याद रखेंगे और ये 1990 से लेकर 93 तक ये आर्मी चीफ रह चुके हैं ओके गाइस, बिल्कुल और इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को भी लीड किया है यस yes. अब बीच में एक आ गया आपका वो ठीक है नेक्स्ट आप बताएंगे कि टाटा आईपीएल ने पार्टनर किया है विच बिकम विच अमंग द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा आईपीएल तो आप जानते हैं कि अब आईपीएल को ब्रांड का मेन ब्रांड जो है वो टाटा है तो इसके साथ ऑफिशियल पार्टनर कौन है हाँ जी बताएंगे तो ये है रुपे रूपे और टाटा दोनों ही ब्रांड ये इनरस करेंगे आईपीएल को नेक्स्ट आप देखे हर्थ और नाइट ऑफ हर, हड़ा नाइट ऑफ हड़ा फेस्टिवल शिवरात्रि को मनाया जाता है शिव हड़ा तो यहाँ पे आप बताएंगे कि ये कहाँ पे मनाया जा रहा है असम लद्दाख हिमाचल या जम्मू एंड कश्मीर राइज बहुत सारे क्वेश्चन है थोड़ा जल्दी आंसर दीजिए तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ये मनाया जा रहा है हम लोगों ने पढ़ा है फिर एक बैंक है जिसने सैंक्शन किया है डॉलर वन फाइव जीरो का लोन

इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए मोबिलिटी सोल्यूशन है ये कौन सा ब्रांड है तो ये क्या बजाज है हीरो है टीवीएस है या यामा है तो आप जानते हैं ये हीरो मोटोकॉप है नेक्स्ट श्री निवेदता ईशा सिंह रुचि विनेरकर ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को और गोल्ड मेडल जीता है किस स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग में शूटिंग में हॉकी में या फिर वेट लिफ्टिंग में जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे गाइस व्हाट आर यू डूइंग तो कमॉन टेल मी द आंसर हरी अप तो ये कौन सा गेम है ये गेम है शूटिंग है ना टेन मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल जो है शूटिंग में इन्होंने मेडल जीता है अगला सवाल जयप्रकाश चौकसी इनका निधन हो गया है तो जयप्रकाश चौकसी जो है ये क्या थे क्या ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे क्या ये स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट थे क्या ये इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे या फिर फिल्म क्रिटिक चलें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि ये फिल्म क्रिटिक थे है ना जय प्रकाश चौकसी इनका निधन हो गया फिल्म क्रिटिक है शेन वॉन का निधन हुआ है एट द एज ऑफ 52 आप बताएं कि ये किस कंट्री के क्रिकेटर रह चुके हैं गाइस थोड़ा जल्दी आंसर दो क्या कर रहे हो तुम लोग मंडे को भी सो रहे हो हाँ पूरा वीक सो गए पूरा वीक बर्बाद करना है पढ़ाई नहीं करना है पूरे मंथ का आउटपुट खराब करना है ग्राफ अच्छा जा रहा है उसको नीचे करना है नहीं ना यस तो ये ऑस्ट्रेलिया के अब बताएंगे कि आर ने कैंसिल कर दिया है एक बैंक का लाइसेंस जो कि इसका नाम है शिराला ठीक है शिराला सहकारी बैंक सर जे रोदा नाइक शिराला सहकारी बैंक अगर कोई महाराष्ट्र के है और मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूं तो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट तो ये बताएं कि ये कहां का ये बैंक है ये बैंक है महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का बैंक है लाइसेंस कैंसिल हो गया अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक कि आई फॉर अनरिजर्व प्लेटफॉर्म टिकट इसको किसको किसके साथ पार्टनरशिप किया है ताकि आप जब भी प्लेटफॉर्म पर रहें तो आप पटाख से टिकट बुक कर लें ताकि आपको फाइन ना लगे पकड़ाने पे फाइन लगता है प्लेटफॉर्म ऐसे ही घूम के वो सब मूवी में होता है ठीक है कि चना खाने के लिए लोग हीरो जो है वो इस तरह से हेयर स्टाइल करके और प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं वो सब मूवी में होता है अगर आप प्लेटफॉर्म पे बिना काम के घूम रहे हैं तो आपके पास उसके लिए एक टिकट होना चाहिए प्लेटफॉर्म टिकट और पेटीएम के साथ आई -सी, सी ने पार्टनर किया है नेक्स्ट आप देखें सेकेंड एडिशन ऑफ रुड़की वाटर कॉन्क्लेव किसने इनग्रेट किया? किया है वाटर कॉन्क्लेव को किसने इनोग्रेट किया है रूड़की जल सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है यह किया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने यस नेक्स्ट बिकम द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से याद करने हैं कि वायु भारतीय वायु सेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं क्या ये विवेक राम है हार्दिक जोशी है श्री, श्री कुमार हैं या फिर दलबीर सिंह जी हैं तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कुमार है ना प्रभकरण हाँ नेक्स्ट किस मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है स्वदेश दर्शन पुरस्कार विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च स्वदेश दर्शन पुरस्कार अवार्ड इन डिफरेंट कैटेगरी तो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑब्वियसली क्योंकि स्वदेश का दर्शन करना है तो ये टूरिज्म मिनिस्ट्री ही हो सकता है अगला सवाल है कि अपग्रेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने ये हम लोगों ने डिस्कस किया है अपग्रेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं क्या ये अक्षय कुमार हैं विराट कोहली हैं अमिताभ बच्चन हैं या सौरभ गांगुली हैं तो अपग्रेड एक कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अमिताभ बच्चन यस सो दिस ऑल द क्वेश्चन जी तो बिल्कुल होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा और आप लोग सेशन को लाइक like करना भूल जाते हैं तो प्लीज सेशन को एक बार लाइक like कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और सारे क्वेश्चंस लेके आऊं और करंट अफेयर्स लेके आऊं आप लोग रोज रिवाइज कर पाए और हर सैटरडे को हम लोग बहुत सारा रिवीजन करें नाउ यू सी आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग Uh, आपको कि अगर आपको और डिटेल में मुझसे पढ़ना है तो आपको क्या करना है आपको सीधे जाना है यहाँ पे गूगल में गूगल में आप अपना आई खोलेंगे ठीक है और यहाँ पे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आपको पहले आ गया सही है यहाँ पे आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डायल करना है और यहां आपको मिल जाएगा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का वेबसाइट आप इस ऐप को फोन में ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल कर लें क्योंकि अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसीज आई है या नहीं यानी कि जॉब अलर्ट और इस ऐप आप में आपको फ्री में जॉब अलर्ट का सेक्शन है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके कंसर्न डिपार्टमेंट आप उसमें लाइक कर सकते हैं फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको डिफेंस से रिलेटेड चाहिए या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड चाहिए बैंक से रिलेटेड या एस एस से रिलेटेड जिस भी एग्जाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको जॉब अलर्ट मिलेगा एक और इन्फॉर्मेशन है कि एस शॉर्ट सर्विस सेलेक्शन में बीटेक वाले अब अप्लाई कर सकते हैं कल से उनका पोर्टल खुल जाएगा मेन विमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों को कोई भी एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है आप सीधे उसमें फ्री में रजिस्टर करें रजिस्टर नहीं करें रजिस्टर करें।, करें तो उसके बाद आपका कट ऑफ निकलेगा और उसके बाद आपको सीधे एस में जाना है ठीक है यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग कोई भी एग्ज़ाम नहीं है सीधे आपको एस में जाना है लड़के और लड़कियां दोनों इसमें रजिस्टर कर सकते हैं ओके okay गाइज़ एक एन एंट्री भी निकल गया है जॉइंट इंडियन आर्मी डॉट कॉम पर जाके आप देख सकते हैं डॉट इन पर जा सके आप देख सकते हैं तो ये सारे नोटिफिकेशन ये सारे जॉब अलर्ट्स आपको ऐप आप के माध्यम से मिल जाएंगे साथ ही साथ अगर कोई नया करंट अफेयर आता है जैसे अभी मैंने सुबह में बताया लेकिन हो सकता है मेरे क्लास छोड़ते ही नौ बजे कोई करंट अफेयर आ जाए तो वो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा ऐसे तो मैं अगले दिन बता ही दूंगी लेकिन उसका अपडेट ऑन स्पॉट आपको पता चल जाएगा और फिर एक और इसमें स्पेशल फैसिलिटी फैसिलिटी है कि आपको फ्री में क्विज बनाने के लिए भी मौका मिलता है फ्री में आप क्विज बना सकते हैं और अगर आपको हमसे डिटेल में है ना एज कोचिंग पढ़ना है ताकि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सप्लेन कर सके आपको अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सके तो आपको इस तरह से जिस भी आप एग्जाम में जाते हैं जिस भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन प्रिपेरेशन करें फॉर एग्जाम्पल मैं डिफेंस का प्रिपरेशन कर रही हूँ मुझे सी में जाना है मुझे ऐसा पैक चाहिए जो कि सी के साथ साथ मेरे को सी आई और आने वाले एक साल में जितने भी डिफेंस के एग्जाम हैं सब का प्रिपरेशन एक ही जगह हो सके जहाँ पे कीर्ति मैम और जिवेश सर मुझे जी के प्रिया मैम इंग्लिश गोपाल सर मैथ्स निहारिका मैम साइंस और साहिल सर रीजनिंग पढ़ाएं तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिफेंस में जाना है डिफेंस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो इंडिया के बच्चे हैं अब उनके लिए स्पेशल मैथ्स के फैकल्टी आ चुके हैं जिनका नाम है पुनीत सर और आप लोग जानते ही होंगे काफी फेमस है पुनीत सर तो इस तरह से आपको इस साइड पर जाना है ये क्या हो गया वन सेकेंड ये सब स्माइली क्यों आ रहे हैं यहाँ पर ठीक है तो दिस इज डिफेंस आई हैव गेर देन सी डी एस में मैं गई महा पैक पे क्लिक किया मैंने ओके सो देर इज सम आई थिंक नेट इशू नॉट अ प्रॉब्लम हो सकता है आपके पास मेरे से अच्छा पैक हो तो so, आप महा पैक पे क्लिक करें व्यू ऑफर में आपको Y332 थ्री थ्री टू यूज करना है वाई तीन सौ बत्तीस और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप जल्दी से जल्दी पैक में आके इनरोल हो सकते हैं ओके गाइज सो थैंक यू एवरी वन यस थैंक यू फॉर द सेशन